जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। यार बड़ा मुश्किल है यार अकेले ऐसे हाथ में पकड़ के कैमरा पकड़ के व्लॉग करना, बस ड्राइव करना, इट्स अनसेफ। मैं ये ले रहा चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा में लोकेटेड है और जो कि मेरे लोकेशन से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जाके वहाँ लोकेशन एक्सप्लोर करने और आपको दिखा रहे हैं, बस बने रहिए वीडियो में। और जुल्फे अच्छी लग रही है मेरी, लेट्स मूव। ओ मैंने आँख अपना लिया ही नहीं, लेट्स मूव। सो गाइज वी आर फाइनली इन द कैंपस और मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और मैं अभी एक जायज़ा नॉर्मल सा वॉक ले रहा हूँ कैंपस के अंदर। बहुत ही सुंदर लोकेशन है अगर सही बताएं। मेन हमारे यहाँ पे जो लोकल हैं यहाँ के, वो लाइक यहाँ पे ये पिकनिक स्पॉट है। एक पूसा का जो गार्डन वगैरह, जो भी फ्लावर्स वगैरह फूल वूल देख सकते हैं, ये सब भी देख ही रहे हैं और मैं शॉर्ट्स आपको दिखा दूँगा, वो इतने प्यारे लगते हैं कि क्या ही बताया जाए। तो एक ये पिकनिक स्पॉट है, स्मार्ट स्पॉट है जो कि 1 जनवरी को काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। वो रहा पूसा यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस और हम वहीं से आए हैं और ये इसके थ्रू ऐसे जाके आगे यूनिवर्सिटी है हमारी। और ये रहा कैंपस का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति है, स्टैचू है। और यहाँ पे जो भी लिखा है आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम जो हैं यहाँ पे काफ़ी पीक टाइम पे आए हैं। एक्चुअली 3 दिसंबर को इस यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस है, तो यहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, लाइटें वाइटें लग रहे हैं पूरे एकदम, और काफ़ी काम जा रही है यहाँ पे। जो भी स्थापना दिवस में यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है उस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि अभी कोरोना फेस चल रहा है तो उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, बट अच्छा खासा प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ। जितने भी देर मैंने इस कैंपस को अभी तक घूमा है ना गाइस, एक दिन कम पड़ जाएगा इस कैंपस पे अगर पूरा डिटेल्ड ब्लॉग बनाया जाए तो, बट ठीक है सहर लेंगे थोड़ा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा हुआ था हॉस्पिटल। तो इस कैंपस के अंदर इसका खुद का अस्पताल भी है, हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे घूमने चलते हैं। ये रहा हमारा पूसा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल, जो कि नया नया बना है और शायद बंद है अभी। अगर मैं यहाँ पे कॉलेज जैसे मैं चालू रहता है समय आता, तो प्रोबेबली एक बहुत ही अच्छा सा विजुअल्स देखने को मिल सकता था कि बिहार के हमारे यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के स्टूडेंट्स, किस तरह का कल्चर फॉलो होता है। बट अफसोस हमें हमारा कोरोना फेस चल रहा है और कॉलेजेस सारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कॉलेज ऑलमोस्ट पूरा खाली ही है। बट अभी मैं खड़ा हूँ तितली पार्क करके एक बोर्ड था उसके बाहर खड़ा हूँ। अंदर क्या है, तितलियाँ हैं या बागीचा है पूरा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और अंदर जाना मतलब प्रोहिबिटेड है अभी, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो
तो मुझे फाइनली पता चल चुका है कि इस पार्क को तितली पार्क क्यों कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी पौधे लगाए जाते हैं वो उस हिसाब से लगाए जाते हैं कि उन पे तितलियाँ बैठे, मतलब तितली स्पेसिफिक पौधे। तो इसीलिए इस पार्क का नाम तितली पार्क है, और इसमें जितने भी अंदर पौधे हैं, फूल हैं, वो स्पेशली तितलियों के लिए हैं, जो इस पे तितलियाँ आके बैठती हैं। और क्या तो टर्म था वो, क्या टर्म था, साइंस में पढ़े थे 7th क्लास में। पॉलिनेशन करती हैं तितलियाँ। जिस भी रोड से मैं गुजर रहा हूँ, मतलब ऐसा सीन आ रहा है ना, ऐसा ऐसा सीन आ रहा है कि आई एम रियली मिसिंग देहरादून। उधर जो जॉर्ज एवरेस्ट जाने की तरफ का जो भी रास्ता था, वो पतला सा एरिया, वो पहाड़, पौधे, और बहुत ही मतलब आई एम रियली मिसिंग देहरादून। तो इसी बात पे देहरादून वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं, और जो देहरादून के पीप्स ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इस भाई का भी कुछ भला हो सके। ये ठीक मेरे पीछे फूड प्रोसेसिंग की शायद से बिल्डिंग है, इस पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन फूड प्रोसेसिंग, और साथ ही में लिखा हुआ है एडवांस सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन वेस्ट, सॉरी एडवांस सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से हम वेल्थ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वाह सच अ नाइस कॉन्सेप्ट। और बहुत ही प्यारा बिल्डिंग है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सही है इस यूनिवर्सिटी का, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। जितने भी लोग से मैंने पूछा था कि चलोगे पूसा यूनिवर्सिटी, वो नहीं आए, वो रियली मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। देख लो देख लो। रियली में एक दिन में टफ है सारा पूरा। गरम पानी दिया था मेरी मम्मी ने, ठंडा पानी दे रही थी यार। ये जो मैंने आपको अभी तीन बिल्डिंग्स दिखाई है, इन तीनों को एक साथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहा जाता है। और इसमें एक बिल्डिंग जो थी मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज पे है, एक स्टार्टअप के लिए है, और एक जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए, जो कि उस साइड था और वहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड था, तो मैं कैमरा नहीं ले जा सका, बट मैं गया था वहाँ पे। तो ऑल दिस थ्री बिल्डिंग्स आर नोन एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। भैया यहाँ पे क्या होता है? गेस्ट हाउस टाइप का है। अच्छा तो किसान घर क्यों? अच्छा, ओ पूरा वही है, पूरा एरिया वही है। इतना ट्रैवल करने के बाद अब मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख, और मैं फाइनली पूछ पूछ के एकदम पता करके पहुंच चुका हूँ कैंटीन पे। चलिए खाते हैं कुछ, पेट पूजा करते हैं, फिर आके कंटिन्यू करते हैं। फाइनली मैंने चाय ले ली है, और मेरे भैया यहाँ पे काम करते हैं, बस मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं तो बाकी का कैंपस उनके साथ एक्सप्लोर करूँगा। तब तक के लिए चाय पीते हैं, आप भी चाय पीजिए। पीछे है पीएनबी कॉलेज, ये डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट, बस ये डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन ये डिपार्टमेंट है, यही टोटल केवीके को यहाँ से संचालित करता है। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जितना भी हो गया, केवीके टोटल बिहार में इसका। केवीके क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र, रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर जितने भी है इसका, वो केवीके हो गया या आरआरएस हो गया,
रिसर्च रीजनल रिसर्च स्टेशन, वो सभी को यही कोऑर्डिनेट करता है यहाँ से। अच्छा, टोटल उसके स्टाफ स्ट्रक्चर को और उसके जितने भी रिसर्च की जो है थीम्स हो गई या ICR से आने वाली जितनी भी फंडिंग है उन सबको ये कोऑर्डिनेट करता है। तभी संचार केंद्र, संचार केंद्र इसका नाम पड़ा। और ये PNB क्या है? PNB बैंक है। हाँ, इधर पीछे PNB। अच्छा, यहाँ इस कैंपस में टोटल चार बैंक है ना, PNB, SBI, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, स्टेट बैंक और सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक और एक बैंक ऑफ बड़ौदा। पांच बैंक और एक पोस्ट ऑफिस हो गया। पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ टोटल पांच बैंक है। किसी किसी टाउन में इतने बैंक नहीं होते, आप मान सकते हैं। मेरे पीछे आप जितने भी ये इस टाइप के शेड्स देख रहे हैं, इसे पॉली कैप्स कहते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और इनके अंदर हमारे जो भी बीज होते हैं, जो भी पौधे उपजाए जाते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। लाइक आपने देखा होगा कई जगह ग्रीन शेड के अंदर होता है, लाइक एक ग्रीन शेड हमारा यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का। तो ये सारे इन चीज़ों पॉली कैप के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये होम साइंस डिपार्टमेंट है पूरा, और प्लस इस कैंपस के अंदर एक प्ले स्कूल टाइप का है कुछ, और शायद से वो गर्ल्स हॉस्टल है, आई एम नॉट कन्फर्म, बट दिस इज ऑल अबाउट द होम साइंस डिपार्टमेंट। और वी आर ऑन द वे टू द मशरूम सेक्टर। इट इज स्पेल्ड लाइक समथिंग AICRP। इसका फुल फॉर्म है तो AICRP मीन्स ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मशरूम। तो दिस इज ऑल एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च। सो 2000 में जब मेरा जन्म हुआ था गाइस, तब इस इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेक्टर की स्थापना की गई थी। रिमॉडलाइज किया गया है लास्ट ईयर 2019 में रिमॉडलाइज किया गया 19 साल बाद। और आफ्टर रिमॉडलाइज में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक मशरूम समोसा, मशरूम की नमकीन, मशरूम बिस्किट, मशरूम लड्डू, मशरूम के लड्डू, मशरूम के अचार, और समोसा बिस्किट हो गया, नमकीन भुजिया हो गया, मशरूम के विभिन्न प्रकार। ये सारा अंदर ही, इसी के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता है। ये सेंटर हुआ जहाँ की मशरूम जनरेट होती है, और स्टाफ स्ट्रक्चर है, और मशरूम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, बनते हैं ये वाले बिल्डिंग। यस, इसके अंदर बनते हैं। हाँ, बनते हैं इसके अंदर। फैक्ट्री है, हमारा डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने हमारे 2019 में ये मशरूम सेक्टर की रिमॉडलाइजेशन करवाई थी, जो कि हमारे फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये जो हमारा मेन डिपार्टमेंट्स का एरिया है, पहले तो इसमें शायद कार अलाउड था या बाइक से आप ट्रेवल कर सकते थे, बट अब यहाँ पे कैंपस में जो व्हीकल्स हैं प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और उनके जगह 4 से 5 या 6-7 के अराउंड ई रिक्शाज मंगवाए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, और वो आपको पूरे कैंपस के अंदर फ्री में कहीं भी ले जा सकते हैं। फ्री में, आई रिपीट, फ्री में। कई IITs में हेड क्वार्टर कैंपस के अंदर, कई IITs में वो ई रिक्शाज हैं, और बट वो चार्ज लेते हैं शायद से 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, जो भी उनके चार्ज होते हैं वो लेते हैं। बट हेड क्वार्टर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कैंपस है उनमें ये यहाँ पूछा यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप ई रिक्शा से ट्रैवल करते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ले जाती है। मेरे जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं वो पोल्ट्री फार्म है। यहाँ मुर्गियाँ क्या करते हैं, मुर्गी के साथ करते क्या? मुर्गियों पर रिसर्च किया जाता है। क्या रिसर्च करेंगे? रिसर्च करके नई प्रजाति की मुर्गियाँ यहाँ लाई जाती है, जस्ट जैसे कि मुर्गा में एक कड़कनाथ मुर्गा, जो हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि धोनी के फार्म पर धोनी ने उसके विभिन्न प्रकार के चूजे ला के अपने यहाँ डेवलप किया है, वो कड़कनाथ मुर्गा भी यहाँ पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गा।
raised by Dallas, make it hurt. So finally reached home. So this was it for the blog, guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें. और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में. टिल देन, गुड बाय.